नमस्कार, मैं प्रिया, प्रिया मसाला किचन में आप सबका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया बढ़िया होंगे। आज हम आपको पंजाबी छोले बताएंगे कि वो कैसे बनते हैं। पंजाबी छोले दिल्ली वाले, कहा जाता है कि दिल्ली दिल वालों की है, तो आज हम आपको वो छोले बताएंगे कैसे बनाएं। ये मैंने आधा किलो छोले भिगो दिए थे रात में, ठीक है, और इसमें मैंने आंवला भी डाल दिया था, ठीक है। इसको फिर मैंने अच्छे तरीके से धुल लिया 5-6 पानी से। अब हम इसको बॉईल करने जा रहे हैं। ये मैंने पानी ले रखा है, आधी बॉटल होगा, और इसको हम करेंगे बॉईल। बहुत लोग जब छोले उबालते हैं तो उसमें पोटली डालते हैं, ठीक है, तो हम वो पोटली नहीं डालेंगे, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि अगर पोटली लूज़ हो जाती है तो हम इसमें चाय की पत्ती का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो पंजाबी छोले दिल्ली वाले होते हैं वो काले बनते हैं, तो हम इसमें चाय की पत्ती का यूज़ करेंगे। कभी कभी पोटली अगर ढीली हो जाती है तो वो जो चाय की पत्ती होती है वो छोलों में लग जाती है, इसलिए हम ये गर्म पानी करेंगे और इसमें वो चाय की पत्ती खौलाएँगे, और उसके बाद फिर हम आगे दिखाते हैं क्या करेंगे। हो रहा है हमारा बॉयल। अब हम इसमें 2 चम्मच चाय की पत्ती डाल रहे हैं, ठीक है। देखिए, हमने पानी में चाय की पत्ती डाल दी है। अब इसको हम खूब अच्छे से खौलाएंगे, ठीक है। ये दिल्ली वाले जो छोले हैं ये काले ही छोले बनते हैं, और ये चांदनी चौक पे आप जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको ये दिल्ली वाले काले छोले मिलेंगे। ये देखिए, चाय की पत्ती का पानी अच्छे से खौल गया है। हमने इसको 5 मिनट खूब अच्छे से खौला लिया है, ठीक है। अब हम गैस को करते हैं बंद। और ये कुछ खड़े मसाले हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये 2 तेज़पत्ता लिया है मैंने, ठीक है, काली मिर्च है, बड़ी इलायची है, लौंग है, जावित्री है और दालचीनी है, ठीक है। छोले हमने इसमें सारे डाल दिए। ये 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर है। एक चम्मच इसमें हम नमक डाल रहे हैं। और ये जो खड़े मसाले हैं ये भी इसमें डाल दे रहे हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि बीच में मैं आपको छोला मसाला भी बताऊंगी कैसे बनेगा, और इसमें और भी चीज़ें मैं ऐड करूंगी। अगर आप बीच में जाएंगे तो फिर दिल्ली वाला ये काले छोले आपके नहीं बन पाएंगे। ज़रा सा मैंने इसमें सरसों का तेल डाल दिया। गैस करते हैं ऑन। हमने छोले चढ़ा दिए कुकर में और हमने इसका ढक्कन लगा दिया है। अब हम इसमें 7 से 8 सीटी लगाएंगे, क्योंकि हमें छोले गले चाहिए, क्योंकि जैसे चांदनी चौक दिल्ली में ये पंजाबी छोले होते हैं ना, तो इसमें थोड़े से ये गले हो ज़्यादा होते हैं, तो इनको हम अच्छे से 7 से 8 सीटी लगाएंगे, ठीक है। कि हमारे छोले उबल चुके हैं, मैंने इसमें 8 सीटियाँ लगाई हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है मेरे छोले का, देख रहे हैं ना। चाय की पत्ती जो हमने डाली थी, देख लीजिए छोलों का कलर, आधा काम तो हमारी चाय की पत्ती ने ही कर दिया। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमने अपने सारे बॉयल छोले निकाल लिए हैं, ठीक है। मगर ये जो बॉयल पानी है हमारा, है ना, चाय की पत्ती का,
इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसको अभी हम संभाल के रख लेंगे, फिर आगे अभी हम बताते हैं कि क्या करेंगे हम। देखिए छोले हो चुके हैं हमारे बॉयल, इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है और ये अच्छे से पक भी गए हैं। ये देखिए कितने अच्छे से छोले पक गए हैं ना। अब हम बात कर रहे हैं दिल्ली वाले छोले भटूरे की, ठीक है, पंजाबी छोले की। तो अगर छोले के साथ फ्राइड आलू ना रहे तो फिर मज़ा हो जाता है आधा, इसलिए मैंने इस साइज़ के 3 आलू लिए हैं, ठीक है। और इनको मैंने धो के छील लिया था, अब मैं इनको 4 टुकड़े इनके कर रही हूँ। दिल्ली वाले पंजाबी छोलों के साथ अगर आलू ना रहे ना तो मज़ा फीका हो जाता है, इसलिए मैं छोलों की रेसिपी के साथ आपको फ्राइड आलू की भी रेसिपी दे रही हूँ। हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है और उसमें ऑयल डाल दिया है, मस्टर्ड ऑयल डाला है और गैस कर रहे हैं ऑन। ऑयल को होने देंगे थोड़ा सा गरम। ऑयल हो गया है हमारा गरम, आलू को हम इसमें डाल दे रहे हैं। आलू को हम करेंगे गोल्डन ब्राउन, बहुत टेस्टी लगते हैं आलू। अभी इसमें जो मैं मसाले पड़ेंगे वो भी मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। मैंने आपसे इसीलिए कहा था कि पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि बाद में मैं और भी चीज़ें बताऊँगी। मेरे चैनल पे आपको छोला मसाला की रेसिपी मिलेगी, और छोले भी मैंने बनाए हैं, भटूरे भी मैंने बनाए हैं, और उसके साथ ये मैंने फ्राइड आलू भी बनाए हैं, ठीक है। तो आपको सारे लिंक मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, उन सबको ज़रूर देखिएगा और ये पूरी रेसिपी बनाइएगा, छोले भटूरे और ये आलू भी बनाइएगा फ्राइड आलू। आलू हो गए हैं गोल्डन ब्राउन, ठीक है, अब हम इनको निकाल लेंगे। कैसी आवाज़ आ रही है, बढ़िया सी। आलू हो गए हमारे बढ़िया से फ्राई, और ये देखिए अब हम इन आलूओं में झटपट मिक्स कर लेते हैं मसाला, ठीक है। ये लाल मिर्च मैंने ली है पिसी हुई 1 चम्मच, 1 चम्मच मैंने सौंफ ली है, 1 चम्मच ज़ीरा लिया है भुना हुआ पिसा हुआ, 1/2 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है। ये मैंने जो लिया है इसमें मैंने पुदीना सुखाया हुआ था और अनारदाना दोनों को हल्का सा तवे पे फ्राई करके मैंने पीस लिया है, ठीक है, ये 1 चम्मच है। खटाई भी 1 चम्मच ली है, और 1 चम्मच मैंने लिया है काला नमक। अब हम फटाक से इसको करेंगे इसमें मिक्स। देखिए फ्राइड आलू हमारे हो गए तैयार, इसमें अच्छे से सारा मसाला लिपट गया है और ये बहुत टेस्टी है, ठीक है। इस पे डालेंगे थोड़ी सी हरी धनिया और इसको रखते हैं अभी साइड में। अब आलू हो गए हैं हमारे रेडी, तो अब हम बनाएंगे पंजाबी छोले दिल्ली वाले, ठीक है। ये हमने जो छोले का पानी था ना चाय की पत्ती वाला, वो अलग निकाल के रख लिया है। और एक ख़ास और बात, आपको किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं है, ना हमें प्याज चाहिए, ना हमें टमाटर चाहिए, ना हमें लहसुन चाहिए, ठीक है, हर चीज़ नहीं चाहिए। बहुत महंगा हो गया है टमाटर, आप लोग बहुत टेंशन में हैं कि हम कैसे बनाएं छोले, कैसे खाएं, तो ये दिल्ली वाले पंजाबी छोले काले वाले ये मैं आज आपको बता रही हूँ हर टेंशन से फ्री करने के लिए, ठीक है। और इसको हम जब भी बनाएंगे
तो लोहे की कढ़ाई में ही बनाए जाते हैं ये जो काले छोले हम बनाते हैं, ये लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं। मेरे पास कढ़ाई नहीं थी, ये मेरे पास चाइनीज़ कढ़ाई है, लोहे की कढ़ाई मेरे पास नहीं थी, ये चाइनीज़ कढ़ाई है, तो मैंने ये ले ली है। ठीक है, अब हम अपने छोले जो है इसमें डाल देंगे। ये मेरा छोला मसाला है, इसकी रेसिपी मैं पहले दे चुकी हूँ, मेरे चैनल पे है। ये हम अभी 2 चम्मच डाल दे रहे हैं। आज को भी हम तेज कर देंगे। ठीक है, और 1 चम्मच और डाल दो। अभी इनको आज हमने तेज कर दी है हाई फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए, अब इनको हम होने देंगे। इसमें 1/2 चम्मच हम डालेंगे काला नमक, छोला मसाला हमने डाला ही हुआ है, ये देखिए। ये पंजाबी छोले ब्लैक कलर के, ये मैंने अदरक ली है और 2 मिर्चे लिए हैं, उनको बीच में से चीरा लगा दिया है, और ये अदरक भी पतली स्लाइस में काट ली है। आप चाहें तो 1 चम्मच वनस्पति घी ले सकते हैं या आप देशी घी ले सकते हैं। हम इसमें लगाएंगे इससे तड़का। ये जो हमने हरा मिर्चा और अदरक लिया है थोड़ी सी हम इसमें डाल दे रहे हैं, और थोड़ी हम अभी जब तड़का लगाएंगे तो उसमें डालेंगे। ये 1/2 कलछुल देसी घी ले लिया है, आंच हमारी मीडियम ही है। ठीक है, तो इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से चला लेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ये जो पानी है हमारा चाय की पत्ती वाला। ये जो छोले होते हैं ये थोड़े थिकी होते हैं, थोड़ा सा और पानी हम डाल देंगे और आंच को थोड़ा सा तेज कर देंगे।
देखिए बन गए हमारे काले पंजाबी छोले दिल्ली वाले। देख रहे हैं ना इसका रंग कितना बेहतरीन आ रहा है। ये जो हमने इसमें आमचूर और अनारदाना जो हमने इसमें डाला है उसकी वजह से इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है, और जो हमने इसको लोहे की कढ़ाई में बनाया है उसकी वजह से भी हमारे छोले बिल्कुल ब्लैक हो गए हैं, और हम जितनी देर लोहे की कढ़ाई में रखेंगे उसका रंग काला और होता जाएगा। तो अब हम निकालते हैं फटाफट सर्व करने के लिए, और डालते हैं ज़रा सी कस्तूरी मेथी। और इसको एक बार चला देते हैं, डिश में सर्व कर रहे हैं। ये देखिए हमारे पंजाबी छोले दिल्ली वाले। आपको एक बात पता है कि इन छोलों का नाम कीचड़ छोला भी होता है, क्योंकि जो इनका कलर है ना वो कीचड़ की तरह होता है, तो इनको कीचड़ वाले छोले भी कहे जाते हैं। अब हम इसको करेंगे हरी धनिया से गार्निशिंग। देख रहे हैं ना कितने ज़बरदस्त बने हैं हमारे पंजाबी छोले। अब हम इनको सर्व करते हैं डिश में। ये देखिए गर्मा गर्म छोले भटूरे, फ्राइड आलू, सलाद और अचार। लग रही है ना ज़बरदस्त प्लेट। इसको खाइएगा और ज़रूर से बनाइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। रखिए अपना ध्यान। थैंक यू, बाय बाय।